पूरा सांप की तरह लग रही है यहाँ से। हम पहुंच चुके हैं मानसर में। पेण नाई चकरी उड़िया मवणे दिता ये ज्ञान जिंदाबादी रे बसाणी डोगरी जम्मू वाले आंदे डोगरी के शान। ये जहाँ पे छोटा सा रैबिट है बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इस तरफ बहुत ही प्यारा सा एक सनराइज हो रहा है और आज बादल हैं तो बादलों के वजह से सूर्यदेव बाहर आ रहे हैं तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों सुबह सुबह बारिश हो गई शुरू और सोचा था बाहर जाने के लिए कि कहीं चलते हैं घूमने के लिए, बट आज का प्लान कैंसिल होता ही दिखता है। तो देखते हैं कब तक बारिश होती है, तो उसके बाद फिर अगर बंद हो जाती है तो फिर चलते हैं बाहर, नहीं तो आज फिर से दोबारा घर पर ही ब्लॉग करना पड़ेगा कुछ। तो ये सब थोड़ी थोड़ी धूप भी मतलब सूरज की किरणें बाहर पड़ रही हैं बादलों से, बट स्टिल बारिश हो रही है तो देखते हैं। नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बड़े होंगे, मस्त होंगे। तो आज अपना प्लान जो था, अभी हम जाने वाले हैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए, तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं। बट पहले तो बारिश की वजह से हम कैंसिल कर रहे थे, बट अभी बारिश बंद हो गई है और धूप तो नहीं है बट मतलब मौसम क्लियर है, तो चलिए चलते हैं और तो चलिए निकलते हैं। तो इस तरफ अपने बांट भैया। हाँ हेलो। और ये अपने एक और भाई आ गए हैं, इनका भी मुझे नाम दोबारा से पूछना पड़ेगा। मेरा नाम संदीप। संदीप संदीप भाई आ गए हैं, तो चलिए चलते हैं अभी। तो चलो लो फिर माता रानी का नाम। जय माता दी। तो भाई आज मौसम बहुत ही बढ़िया है एकदम। तो गाइस यहाँ से अपनी ऑफ रोडिंग हो गई शुरू, काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है और मौसम भी बहुत ही प्यारा है आज, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है राइड का। और अपनी गाड़ी को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इस रास्ते से क्योंकि ये सारा ही कच्चा। तो गाइस आज हमें जाना है इन पहाड़ों में, काफ़ी खूबसूरत यहाँ से लग रहे हैं देखने में, तो आज इन्हीं पहाड़ों में घूमना है, तो चलिए चलते हैं इन पहाड़ों के लिए। कितना खूबसूरत यहाँ से ये नज़ारे लग रहे हैं। तो गाइस अपनी गाड़ी की हवा थोड़ी कम हो गई थी, पहले ये चेक करवा लेते हैं जाने से पहले, नहीं तो दिक्कत क्रिएट हो जाती है यहाँ पे। तो गाइस अपना जो पहला व्यू पॉइंट है वो आने वाला है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं क्योंकि आज संडे है, तो संडे पे काफ़ी लोग राइड पे निकलते हैं और काफ़ी सारी गाड़ियाँ और भी जा रही हैं आज के राइड पे, और यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है ऑलरेडी और इस व्यू पॉइंट पे काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी हैं, तो हम भी यहाँ पे रुकते हैं। तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी हैं। तो यहाँ से टनल से ट्रेन बाहर आ रही है और पुल के ऊपर से जा रही है जम्मू की ओर। पूरा शाम की तरह लग रही है यहाँ से। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है सामने देखने के लिए, काफ़ी खूबसूरत व्यू है। इस तरफ रेल की पटरी है और तवी नदी है और इस तरफ जम्मू सिटी अपना मतलब नगरोटा वाला एरिया है, और जहाँ से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और आगे सीधा मैदान प्लेन वाला एरिया है। अपनी ट्रिप का सेकेंड व्यू पॉइंट है, काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया से नज़ारे हैं एकदम से, और भाई अपने भाई पीछे फ़ोटो शूट कर रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है आज आज की ट्रिप का। और मौसम एकदम बढ़िया से मस्त सा है और बारिश जो थी मतलब पहले बारिश का पूरा चांसेस थे बट अभी नहीं लगता मुझे बारिश होगी, बट अभी भी क्लाउडी है पूरा मौसम आप देख सकते हैं पीछे, और चारों तरफ पहाड़ियाँ पहाड़। और लास्ट टाइम हम वो जो लास्ट में पहाड़ियाँ दिख रही हैं, मैं भी कैमरे से ना दिख रही हूँ, बट उन्हीं पहाड़ियों पर मतलब माता वैष्णो देवी का वो दरबार है तो वहाँ पर हम गए थे, तो जहाँ से बिल्कुल दिख रही हैं पहाड़ियाँ और बीच बीच में जो मतलब बिल्डिंग्स वगैरह वो भी दिख रही।
हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। तो गाइस अपना जो थर्ड व्यू पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है। तो आज भी हमारे रोड ट्रिप में काफ़ी सारे व्यू पॉइंट है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। जो जम्मू से लोग हैं उनको तो पता चल गया होगा कि अब आज हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारी जो ट्रिप है सुरेंद्र सर तो मानसर देन विजयपुर से होते हुए घर जाना है हमें। और अभी थोड़ी सी धूप निकल रही है, मतलब बीच में से धूप निकल रही है और बादल फिर भी कंटिन्यूसली लगे हुए हैं। तो गाइस अपनी पहली डेस्टिनेशन सुरेंद्र सर हम पहुँच गए हैं। तो इस तरह के कुछ नज़ारे हैं सूर्य सर के, तो चलिए रुकते हैं यहाँ पे। तो गाइस इस तरफ है जम्मू की बहुत ही फेमस सुरेंद्र लेक और बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे व्यू आ रहा है। और कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं उधर अंदर पानी में। तो इस तरफ ये झूले वगैरह लगे हुए हैं, अभी ये इनिशियली इनका वर्क चल रहा है। और इस तरफ भी ये सभी चीज़ें लगी हुई, बट इनका भी वर्क चल रहा है, अजय बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मे बी आफ्टर सम टाइम ये स्टार्ट हो जाएंगे। वो काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे इस पे ट्राई करेंगे, चढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी एडवेंचर हो रहा है जी। तो गाइस काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है सीरियसली। और आज की जो ट्रिप है काफ़ी अच्छी है अपनी तो। और यहाँ पे पीछे काफ़ी सारे झूले वगैरह लगे हुए हैं और इस तरफ एक बड़ा सा झूला लगा हुआ है, मे बी अराउंड 30 मीटर होगा। तो आप पीछे देख लीजिए कितना खूबसूरत है। हम पहुंच चुके हैं मानसर में, तो चलते हैं अंदर। तो अभी जस्ट गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं। तो गाइस पहुंच गया मानसर में और काफ़ी क्राउड है यहाँ पे, काफ़ी रश है आसपास। बारिश का भी काफ़ी यहाँ पे लग। मरना है तेरे बाप कुलू तुगी मंगना है, जद आँख की है मंजूर पहाड़ां दी हूर तेरी सदगी धनूर, ओ पहाड़ां दी हूर तेरी सदगी धनूर।
ये है जम्मू की वन ऑफ द मोस्ट फेमस और पॉपुलर जगह, एक फेमस लेक है जम्मू की, जहाँ पे हर कोई आता है, मतलब जम्मू के जो लोग हैं स्पेशली अपना जो वीकेंड होता है या संडे होता है तो इसी जगह पे बिताने आते हैं। और आज भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, इवन कि लॉकडाउन के बाद काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट फिर भी लोग जहाँ पे आते हैं। और काफ़ी खूबसूरत है ये जगह देखने में। और जैसे आपने देखा अलग अलग चीज़ें जहाँ पे हैं, अब हम रिंकू भैया से मिले और उसके बाद हमने वहाँ पे कैमल्स देखे, और काफ़ी लोग कैमल राइड भी करते हैं जिन्होंने नहीं किया। मैंने बचपन में काफ़ी सारे कैमल राइड की है क्योंकि मेरे घर पर ही था पहले कैमल, बट अभी तो नहीं है, बट मैंने काफ़ी कैमल राइड का मज़े ली हुए हैं, तो मुझे एक्सपीरियंस है किस तरह का होता है ये सारी चीज़ें। तो किस किसने कैमल राइड की है सही सही में कमेंट में बताइयो, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कितने लोग हैं जिन्होंने कैमल राइड ऑलरेडी की है बचपन में। तो चलिए हम सर्कल पूरा कर रहे हैं, मतलब एक राउंड लगा रहे हैं, इसके चारों तरफ जगह बनी हुई है और फुटपाथ बना हुआ है सर्कल के लिए, तो वो हम कम्प्लीट कर रहे हैं। तो साथ में अपना सर्कल पूरा करते हैं और देन फिर साथ में देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसके, क्योंकि इसके चारों तरफ अलग अलग स्पॉट्स बने हुए हैं, कहीं पे वर्ल्ड लाइफ वालों का है, कहीं पे जू है, और ये सारी चीज़ें हैं, और देखते चलेंगे और आपको दिखाते हैं। और अलग अलग स्पॉट्स बने हुए सब जगह देखते हैं अच्छे से, तो चलिए चलते हैं। आई होप आपको वीडियो का मज़ा आ रहा होगा, अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मानसर का ये जू है जहाँ पे कुछ जानवर हैं छोटे छोटे हिरन वगैरह यहाँ पे हैं। काफी खूबसूरत लग रही है दोनों। जी जहाँ पे छोटा सा रैबिट है बहुत ही प्यारा लग रहा है। हेलो कहाँ जा रहे हो, इधर आ जा। बहुत ही क्यूट है ये। तो इस तरफ है हिरन का ग्रुप। इस तरह का व्यू है अपोजिट साइड से, तो उस तरफ मेन यहाँ पे ज़्यादा मार्केट वगैरह है, मार्केट वाला एरिया, कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पे। काफ़ी खूबसूरत है देखने में यहाँ से। तो गाइस हमने अपना आधा से ज़्यादा ट्रिप पूरी कर लिया, जो सर्कल था तो वो पूरा कर लिया। अभी बस थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे अपनी गाड़ी के पास, तो उसके बाद फिर हमें जाना है घर के लिए। गाइस दोबारा से बारिश थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है, तो हम जा रहे हैं अभी घर के लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके बताएँ, और आपको इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो भी फर्स्ट बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहा है। तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा वीडियोज़ देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट चेक करें, और इसमें काफ़ी सारे ऑलरेडी ब्लॉग्स मैंने डाल दिए हैं, और आने वाले और भी काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं, मतलब नई नई जगह के जम्मू की जो भी अच्छी अच्छी जगह हैं वहाँ पे चलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे किस तरह का सारी वो चीज़ें। तो चलिए मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।